दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान के आज के फेसबुक लाइव सेमिनार में। आज इस सेमिनार में हम सीखेंगे सौर ऊर्जा क्यों जरूरी है, क्या वजह है कि सभी देश इसके प्रमोशन में लगे हैं, सभी चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे इसकी। और सॉरी फॉर लेट, एक्चुअली मैं थोड़ी सी इधर गाड़ियों का आना जाना हो रहा था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आपको मुझे सुनने में, इसलिए हमने थोड़ा डिले कर दिया। हो सकता है अभी भी वो आवाज़ें आ जाएं, तो मैं थोड़ा सा इसे म्यूट कर दूंगा उतनी देर के लिए। बट चलिए स्टार्ट करते हैं। सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान एक प्राइवेट फर्म है जो नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के करेली तहसील में है, और इसको खोलने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रचार प्रसार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या युवाओं को इसमें जॉब करने के लिए या इसमें अपना बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया जाए, और उन्हें तकनीकी रूप से इतना सक्षम बनाया जा सके जिससे वो जॉब कर सके या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो ये हम महासोलर संगठन में मेंबर है हमारी फर्म, और हम उद्योग आधार एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। साथ ही आईवीटीआर मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च में हमारा इंस्टीट्यूट या सेंटर एफिलेटेड है। सौर ऊर्जा क्या है, ये समझिए कि एक ऊर्जा का प्रकार है जो हमें सूरज से प्राप्त होती है। ठीक है ना, ऊर्जा का एक प्रकार जो हमें सूर्य से मिलता है, और ये ग्रीन एनर्जी कहलाता है या रिन्यूएबल एनर्जी कहलाता है। तो इसको जानने के लिए हम शुरुआत करेंगे ऊर्जा से। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा किसी भी कार्य को करने के लिए वो कैपेबिलिटी है या वो आपकी समर्थता है जिसके द्वारा हम उस कार्य को कर सकते हैं। जैसे यदि हमें व्हीकल चलाना है, हम चाहते हैं हमारी गाड़ी चले, तो उसके लिए हमें क्या उसमें ईंधन डालना पड़ता है, वो पेट्रोल हो सकता है या डीजल हो सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें खुद की, हमारे शरीर को भी ऊर्जा की जरूरत होती है, जो हमें किससे प्राप्त होती है? फूड से, खाने से। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ऊर्जा हमें जिस सोर्स या स्रोत से प्राप्त होती है उसे ही उस ऊर्जा स्रोत का नाम दिया जाता है। तो सौर ऊर्जा क्या है आपकी? वह ऊर्जा जो हमें सूरज से प्राप्त होती है। ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा होता है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। परंपरागत का अर्थ है जो सदियों से यूज होती आ रही है या जो पहले से ही उपयोग होते आ रहे हैं रेगुलरली। जैसे आपने देखा है लकड़ी, जब हमारे यहाँ एलपीजी नहीं थी, केरोसिन नहीं था या और भी कुछ खाना पकाने के वो नहीं थे, तो हम लकड़ी जला के उपयोग करते थे, है ना। कहीं आपने देखा होगा गांव में गोबर के ओपले, जिन्हें कंडे बोलते हैं, वो उपयोग किए जाते हैं। ठीक, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे जो परंपरागत तरीके से उपयोग करते आ रहे हैं हम, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हुए हैं कि नहीं, ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं। कोयला, जिस पे हमारे पूरे पावर प्लांट चलते हैं अभी लगभग आधे। तो एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहने का मतलब है वे ऊर्जा स्रोत जो हमें प्रकृति से मिले हैं या जो हमें नेचर ने दिए हैं। जैसे आप इधर देख रहे हैं, सौर ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, मतलब जो पानी से मिलता है, बड़े बड़े जलाशय बना के और उसमें टरबाइन लगा दिए जाते हैं, ऊंचाई से जब पानी फ्लो होता है तो वो टरबाइन घूमते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर। हाइड्रोजन, भूतापी ऊर्जा, जैव ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारी मतलब जो टिडल एनर्जी होती है, समुद्रों में जो ज्वार भाटा आता है उसकी ऊर्जा। और जैव ईंधन। तो ये दो प्रकार के मुख्य ऊर्जा स्रोत हैं, एक है परंपरागत, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अभी तक पिछले कुछ सालों से आप देखो तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है। गाड़ियों की संख्या देख लो, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कार है, सभी तरह के व्हीकल। या हमारे घर में भी आप देखो तो पहले छोटे से चूल्हा में दो बार खाना बनता था, बट आजकल क्या है,
हर चीज की बढ़ोतरी हो गई है, जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ी जिससे क्या हुआ, ऊर्जा के जो स्रोत है उनका दोहन भी बढ़ गया। दोहन बढ़ गया तो जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जैसे जीवाश्म ईंधन है, इनके खत्म होने का डर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये एक सीमित मात्रा में है हमारे पास। यदि हम इन्हें दिनों दिन इसी प्रकार बढ़ाते जाएंगे, उपयोग दोहन ज्यादा करते जाएंगे, तो क्या होगा, एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। तो इस खत्म होने से इन्हें बचाने के लिए सभी देश की सरकारें, सिर्फ भारत ही नहीं, सभी देश की सरकारें क्या कर रही हैं, इसका विकल्प ढूंढ रही हैं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत ढूंढ रही हैं जिनसे हम इन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को खत्म होने से बचा सकें। आज से 5-10 साल पहले केरोसिन इजीली मिल जाता था, मिट्टी का तेल बोलते, जिसे राशन कार्ड पे मिल जाता था, ऐसे भी मिल जाता था। लेकिन मैंने लगभग 5 साल हो गए हैं तब से केरोसिन का ना उपयोग किया है ना देखा है। पहले तो गांव में चिमनी भपके जलाए जाते थे, तो जैसे केरोसिन खत्म होने की कगार पे आ गया, ऐसे आज नहीं तो कल यदि हम इस बारे में नहीं सोचेंगे इन सोर्सों को बचाने के लिए, तो हमारा डीजल, पेट्रोल, कोयला ये भी खत्म हो ही सकते हैं। यही कारण है कि हमें आज से एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को अपनाना चाहिए, और ऐसा वैकल्पिक स्रोत जो रिलायबल हो, जो विश्वसनीय हो, जिस पे हम विश्वास कर सकें। तो आपने ये समझा, दो प्रकार के ऊर्जा स्रोत होते हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन, जिसमें आपका कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, गोबर और भी जो चीजें आ सकती हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में जो है, उसमें हम आज सौर ऊर्जा की बात करेंगे। सौर ऊर्जा की बात इसलिए करेंगे, हम बाकी की भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें या हम टिडल एनर्जी की बात करें, तो पवन ऊर्जा को यदि आप देखो तो क्या है, ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर सक्सेसफुल है जहां हवा का बहाव जो है, प्रेशर जो है, वो इतना हो कि जो हमारी पवन चक्कियां हैं या जो हम सिस्टम उपयोग कर रहे हैं हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में या कन्वर्जन में, तो वो प्रॉपर तरीके से वो सिस्टम वर्क कर सके। मतलब क्या हुआ, हम जो हमारी हवा है उसके प्रेशर पे डिपेंड है ये सिस्टम। टिडल एनर्जी की बात करो आप, ज्वार भाटा ऊर्जा की, तो सिर्फ जो समुद्री क्षेत्र हैं जहाँ ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, हम वही इन सिस्टमों को लगा सकते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है या स्रोत है जो हमें आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। आप स्टेडियम में, मैदान में चले जाइए, तो वहां भी आपको सौर ऊर्जा उपलब्ध हो रहा है। आप खुद के घर पे भी यदि छत पे जाएंगे जब धूप रहेगी, तो वहां भी आपको सूरज उपलब्ध है। इसीलिए सौर ऊर्जा को एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या है सौर ऊर्जा का, सूर्य की रोशनी, वो हमें आसानी से हर जगह हमारे घर के ऊपर ही उपलब्ध है। ठीक है, सौर ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? पिछले कुछ सालों से तेजी से विकास हो रहा है, जिसके कारण हमारे जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वो खत्म होने के कगार पे आ गए हैं। जैसा कि यदि हम बात करें बिजली उत्पादन की, तो हमारे यहाँ जो अधिकतर बिजली का उत्पादन होता है, जनरेशन, वो होता है हमारे थर्मल प्लांटों पे जहाँ कोयला उपयोग किया जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि यदि हम इसका विकल्प नहीं ढूंढेंगे, तो 2050 के बाद हमारे जो कोयले के भंडार हैं, जो कोयले की खदानें हैं, वो पूरी तरीके से खाली हो जाएंगी। और यदि वो खाली हो जाएंगी तो क्या होगा, हम कितने भी महंगे प्लांट लगा लें, कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर लें, लेकिन जब कोयला ही नहीं होगा तो आप जलाओगे क्या? तो यही कारण है कि हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तलाश करनी होगी, और सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प इसमें हो सकता है। सौर ऊर्जा के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है, आसानी से हर जगह उपलब्ध है। दूसरा ये फायदा है कि ये कभी ना समाप्त होने वाला सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को समाप्त होने से बचाने और इनके उपयोग से होने वाले पोल्यूशन, प्रदूषण, और वातावरण पर होने वाले इसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ठीक है, तो इनका एक तो खत्म होना सबसे बड़ी समस्या है, एक डर है। लेकिन साथ ही साथ आप देखोगे
आपने जब कोई जनरेशन प्लांट देखा होगा, या आपकी व्हीकल की ही बात करें हम, तो आपका जो व्हीकल होता है जब हम उसे उपयोग करते हैं तो वो धुआं छोड़ता है, ठीक है। जो चिमनियाँ होती हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की, वो क्या करती हैं, जो जनरेशन प्लांट है वो धुआं छोड़ती हैं। तो धुआं में क्या होता है, एक तो विषैली गैसें होती ही हैं जिनसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, हमारी जो स्वच्छ हवा है वो प्रदूषित होती है। साथ ही साथ वो जो धुआं होता है जब वो छोड़ा जाता है तो वो होता है गर्म, तो छोड़ने के बाद वो क्या करता है, अपनी जो गर्माहट है, हीट है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, जिससे क्या हो रहा है, आपने एक नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारे वातावरण का जो तापमान है वो अपने साधारण तापमान से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव क्या है, जो हमारे नॉर्थ एरिया के जो आपने देखा होगा आइस होती है वो मेल्ट होने लगी है। तो यदि वो मेल्ट होगी तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, वो मेल्ट होके किस में जाएगी, हमारे समुद्र में, जिससे समुद्र का जो सी लेवल है, सी लेवल लगभग दिनों दिन बढ़ता जाएगा। और यदि वो बढ़ता जाएगा तो जो उससे जुड़े हुए जैसे मुंबई शहर या और भी ऐसी सिटीज़ हैं, कंट्री हैं, उनके जलमग्न होने का खतरा रहेगा, ठीक है। तो हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से तीन प्रकार से लाभ ले सकते हैं। एक है हमारे जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, उन्हें ख़त्म होने से बचा सकते हैं, साथ ही इनसे होने वाला जो प्रदूषण है हम उसको रोक सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, जो हमारी ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, वो है कि इससे जो गर्माहट उत्पन्न हो रही है हमारे वातावरण में, हम उसे भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ यही लिखा है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत आपके पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोमास एनर्जी या जोरभाटा ऊर्जा, इन सभी ऊर्जा सोर्स में सौर ऊर्जा ही एक ऐसा सोर्स है या ऊर्जा है जो हमें आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो सकती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूरज से प्राप्त होती है, हमने पहले भी चर्चा की थी। सौर ऊर्जा मौसम और जलवायु को परिवर्तित करती है। तो देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं, जो हमारे पेड़ हैं, आपने सुना होगा पेड़ अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके ऊपर निर्भर है, हमारे सूर्य के। यदि सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। रोशनी का मतलब है उजाला, प्रकाश, ठीक है। साथ ही साथ हम भी यदि अपनी बात करें तो आज विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी ना कभी सौर ऊर्जा का उपयोग ना किया हो। कैसे, सौर ऊर्जा का उपयोग हम घरों में भी करते हैं, कपड़े सुखाने में, अनाज सुखाने में, ठीक है। ठंड के दिनों में जिन्हें ठंड लगती है तो आपने देखा होगा धूप तापने के लिए बाहर बैठ जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यदि फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी ना होती या आज के समय की टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम सूर्य को उपयोग ही नहीं करते। जितने भी हमें पर्यावरण या वातावरण से स्रोत मिले हैं, ठीक है, हवा हो, पानी हो या सूरज की रोशनी हो, मिट्टी हो, हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पर निर्भर है, आज से ही नहीं सदियों से निर्भर हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सौर ऊर्जा आज की खोज है, सौर ऊर्जा सदियों पहले की खोज है। लेकिन उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे एफिशिएंट, दक्ष बनाया जा सके, उसके लिए दिनों दिन साइंटिस्ट नए नए प्रयोग कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी पे रिसर्च चल रही है, ठीक। तो वैसे तो सौर ऊर्जा के विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन में फोटोवोल्टिक के थ्रू जो करते हैं हम। साथ ही साथ आप देखो, हम दो प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं सोलर एनर्जी से, हम आगे इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एक तो होता है जो डायरेक्ट लाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में बदल लेते हैं, दूसरा होता है सूरज से जो हमें हीट मिल रही है उससे हम भाप बनाएं, उस भाप से टरबाइन चला के भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो ये आगे हम चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ इसमें ये लिखा है कि सूरज की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे बड़ा विस्तार क्या है, विस्तारित होना, मीन्स आपको अगर हम भारत ही की बात करें तो किसी भी कोने में आपको सौर ऊर्जा आसानी से अपने घर पर ही, जिसे कहते हैं ना होम डिलीवरी, आपको अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ अप्रदूषणकारी होना, ये इसका सबसे बड़ा एक महत्व है। यदि आप एक सोलर प्लेट उपयोग करोगे
आप उसे डायरेक्ट धूप में रखिए, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगेगा और आप उसे यूज कर लीजिए। सौर ऊर्जा के उपयोग करने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सौर ऊर्जा या सोलर मॉड्यूल जो है वो प्रदूषण नहीं करता। करता है, लेकिन सिर्फ जब उसे बनाया जाता है, क्योंकि जो उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उसमें भी मशीनें चल रही हैं, उससे भी कुछ हीट निकलती होगी, उससे भी कुछ पोल्यूशन होता होगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सौर ऊर्जा 100% प्रदूषण मुक्त है। हाँ, एक बार सोलर मॉड्यूल बन जाने के बाद आप जब उसे उपयोग करते हैं तब उसके उपयोग से किसी प्रकार का पोल्यूशन प्रदूषण नहीं होता। हमारे भारत में 250 से 300 दिन ऐसे हैं जब खुला हुआ मौसम रहता है। सिर्फ ठंड के ही या बरसात के कुछ ऐसे दिन होते हैं जब बिल्कुल भी सूर्य की रोशनी हमको नहीं मिलती, बाकी दिन खुला रहता है। 8 से 10 महीने हम आसानी से सौर ऊर्जा को उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी या क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन्हें अटेंड करने की सेशन के दौरान। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, क्या आप जानते हैं, डू यू नो दैट, एक थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी दक्षता 30 से 40% होती है। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि सपोज आप एक 10 वॉट का बल्ब एक दिन में 8 घंटे चलाते हैं सोलर पे, तो एक महीने में क्या हुआ, आप 2.4 यूनिट जो आपका बिल है, क्योंकि तो अभी आप उस बल्ब यदि आप इलेक्ट्रिसिटी पे उपयोग करते थे, हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज ना करके सोलर का उपयोग करने लगे। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक सोलर एनर्जी अवेलेबल रहती है। जब भी रहती है तो हम उस पर डायरेक्ट अपने जो डीसी लोड है उनको चला सकते हैं। तो जो आप इलेक्ट्रिसिटी से उपयोग कर रहे थे, आप बिजली का उपयोग मत करिए, आप सोलर का उपयोग करने लगिए। तो यदि हम एक सिर्फ 10 वॉट बल्ब को 8 घंटे चलाएं तो हम एक महीने में 2.4 यूनिट का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। और यदि हम एफिशिएंसी से इसको कंपेयर करें तो यदि 30% भी मानूं मैं, तो 7 यूनिट बिजली बनाने में जो कोयला हमें लगेगा वो हम सिर्फ एक 10 वॉट का बल्ब एक महीने यूज करके बचा सकते हैं। तो कोयला जलाने से जो उत्सर्जन होगा, प्रदूषण होगा, जो हीट निकलेगी, इन सभी चीज़ों को हम रोक सकते हैं सिर्फ एक छोटे से बल्ब के उपयोग से। यही कारण है कि सभी सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को प्रमोट करना, कभी सब्सिडी दे के, कभी अलग अलग कैंपेन चला के, प्रोग्राम चला के, जिससे लोग इसे उपयोग में लाएं, है ना। सोलर डायरेक्ट भी चल सकता है, और हम चाहे तो जब सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो उसे बैटरी में स्टोर करके भी यूज कर सकते हैं, ये हम आगे समझेंगे। अभी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7415324645 पे, तो मैं आपकी क्वेरी अटेंड कर लूँगा। कोयले का उत्सर्जन करने वाले पावर प्लांट से जो कार्बन उत्सर्जन होता है, जो कार्बन एमिशन होता है, जिसे हम CO2 का फुटप्रिंट कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट, वो 800 से 950 ग्राम पर किलोवाट पर आवर होता है। मींस यदि आप 1 किलोवाट सोलर एनर्जी उपयोग कर रहे हैं तो वो प्रति घंटे 800 से 950 ग्राम कार्बन उत्सर्जन को रोक सकता है, ठीक है। सौर ऊर्जा का उत्पादन, ये कुछ आंकड़े हैं जो MNRE के साइट से लिए हैं मैंने। भारत सरकार ने 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी के जो प्लांट हैं उसे लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें 31/12/2019 लास्ट ईयर के दिसंबर मंथ तक 33.7 33.7 गीगावाट का जो हमारा लक्ष्य है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये चूंकि मध्य प्रदेश का है, आप हर राज्य का डेटा MNRE की वेबसाइट्स पे जाके फाइंड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2019 तक 2.23 गीगावाट के सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। ये जो सोर्स है ये MNRE है, MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हमारे भारत सरकार का एक विभाग है जो नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है, नवीन एंड नवीकरणीय ऊर्जा, इस पे निगरानी करता है, इसकी समय समय पे योजनाएं बनाता है,
कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उपयोग में लाने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, ये सारे जो कार्य हैं वो एमएनआरई देखता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट, जिन्हें आपको जानना चाहिए यदि आप सोलर एनर्जी उपयोग करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो 1 किलोवाट जो सोलर प्लांट है, इसके लिए हमें 10 वर्ग मीटर या 100 स्क्वायर फीट की जगह होती है। एक्चुअल में जो सोलर पैनल हैं, जो पहले 15% या 18% एफिशिएंसी के आते थे, वो 70 से 80 स्क्वायर फीट में लग जाते हैं। बट हम उसके जो चारों तरफ है वो लगभग जो 20 स्क्वायर फीट है, मेंटेनेंस या कोई प्रॉब्लम आने पे जो टेस्टिंग है, रिपेयरिंग है, इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी जो 19% या 20% एफिशिएंसी के मॉड्यूल आ रहे हैं, उनके लिए 60 से 70 स्क्वायर फीट जगह की ही ज़रूरत पड़ती है। बट हम जो कैलकुलेशन करते हैं तो हम स्टैंडर्ड 100 स्क्वायर फीट ही लेके करते हैं, ताकि कल के दिन जब हम उस पर रिपेयरिंग या मेंटेनेंस वर्क करें तो हमें कोई तकलीफ ना हो। सोलर पैनल हमेशा साउथ फेसिंग लगाना चाहिए। ठीक है, साउथ फेसिंग मतलब दक्षिण दिशा में आप थोड़ा सा तिरछा करके लगाएंगे सोलर को, आप ऐसे देख सकते हो। ये जो फेस है, जो आपको नीले या काले कलर का दिखता है सोलर में, इसको आप इस प्रकार से लगाओगे कि ये साउथ फेस में रहे, जैसे आप देख रहे हैं। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो सूरज की पोजीशन है, मीन्स सूर्योदय जब होता है, सनराइज टू सनसेट, जब सूर्यास्त होता है, तो सूरज हमेशा दक्षिण दिशा की ओर झुकाव लेकर ही जाता है। सुबह जब सूर्योदय होगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, या आप देख रहे हो जैसे ये जो आपको दिख रहा है, ये है ठंड के दिनों का, ये जो है ये बरसात के दिनों का सनपात है, और ये जो है ये गर्मी के दिनों का सनपात है। तो आप देखो, सूरज ये पूर्व दिशा से उदय हुआ, ये धीरे धीरे ये टॉप पे आ गया, और ये शाम सूर्यास्त हो गया। ठीक है, ये विंटर है, ये आपका समर है, और ये बीच में आपका बरसात के दिनों का है। तो इसी यही कारण है कि हम सोलर प्लेट को, या जो हमारे मॉड्यूल है, इन्हें साउथ फेसिंग करके लगाते हैं। यदि मैं साउथ फेसिंग करके नहीं लगाऊंगा, यदि मैं सोचो फ्लैट लगा दूं, तो हमारा जो होगा, आप ये देख सकते हो, यदि मैं इसे फ्लैट कर दूं, ये जो 43 डिग्री टिल्ट लिया है, मैं ना लूं, तो क्या होगा? सूरज की जो रेज है वो ऐसे आएगी, इस पे गिर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है, जो हमारी सन रे है, क्योंकि हमारी जो सोलर एनर्जी है ये किससे जनरेट होती है, जो सूरज से रोशनी आ रही है उसमें जो फोटोन है वो जब हिट होते हैं मॉड्यूल पे, तो वो अपनी एनर्जी हमारे सोलर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको देते हैं, जिससे हमारे सोलर के जो एन लेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, और जब हम उसमें कोई भी लोड कनेक्ट करते हैं तो अपनी एनर्जी वो लोड में दे देते हैं, जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो हमारी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल को परपेंडिकुलर टू दी सन, जो सन है हमारा, सूरज की जो भी पोजीशन है, जो भी उसका एल्टीट्यूड एंगल है, हम उसके अनुसार ही जो हमारा मॉड्यूल है उसको उपयोग करें। ठीक है, तो ये आपका विंटर का है टिल्ट एंगल, मीन्स यदि आप विंटर में सोलर पैनल यूज करोगे तो आपको ज़्यादा झुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आप देख सकते हो सूरज की पोजीशन है वो ज़्यादा झुकी हुई है ना? और समर में जो है हमें बहुत कम टिल्ट एंगल लगता है। क्यों? क्योंकि सूरज आपने देखा होगा हमारे बिल्कुल लगभग सिर पे आ जाता है, पूरा सिर पे नहीं होता, लगभग सिर पे हो जाता है। तो यदि मुझे उससे परपेंडिकुलर करना है अपने मॉड्यूल को, तो मुझे कम से कम टिल्ट एंगल लेना ही पड़ेगा। 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर डे 4 से 5 यूनिट बिजली या इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ये एवरेज है। एवरेज कहने का मतलब है ठंड के दिनों में, चूंकि जो हमारा सूरज है उसका झुकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो उसके फोटोन है, ठीक है, फोटोन जो है वो प्रॉपर जो उनकी एनर्जी थी उससे नहीं होता, क्योंकि जो क्या कहना चाहिए, उसकी लेंथ है लाइट की वो बढ़ जाती है। दूसरा, जब ठंड के दिनों में आपको बदली होती है या सूरज नहीं निकलता, तब भी हमको जो उसकी इरेडियंस है, रेडिएशन है सोलर की, उसके प्रकाश की जो तीव्रता है वो उतनी प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिसके कारण कम जनरेशन होता है, 2 यूनिट, 2.5 यूनिट, 3 यूनिट। लेकिन खुले दिनों में, मार्च के महीने में या ऐसे दिनों में,
सितंबर में, नवंबर में, या जब बहुत ज़्यादा ना ही गर्मी हो और ना ही ज़्यादा ठंड हो, तब हमारा सोलर पैनल मैक्सिमम जनरेशन करता है। उस समय में क्या होता है, लगभग 5.5-6 यूनिट तक आपका जो जनरेशन है वो जा सकता है। तो यदि आप पूरे 12 महीने का एवरेज निकालेंगे तो जो 1 किलोवाट सोलर प्लांट है उसका एवरेज 4 से 5 यूनिट आता है। कई जगह 4 यूनिट, कुछ जगहों पे 4.5 यूनिट, कुछ जगहों पे 5 यूनिट। 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर मंथ 120 से 150 यूनिट जनरेट करता है और एक साल में 1300, 1300 यूनिट से 1600, 1600 यूनिट। और यदि मैं 6 रुपये से इसका कैलकुलेशन करूं तो हम 1 किलोवाट सोलर प्लांट से 7,500 रुपये से 9,500 या मान के चलो 10,000 रुपये बचा सकते हैं। ठीक है, यदि आपकी 1 किलोवाट सोलर प्लांट की कॉस्ट 60,000 या 80,000 है और आप एक महीने में 9,000 या 10,000 रुपये बचा सकते हैं, तो आप इससे अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं कि हमें कितने समय बाद हमारा जो सिस्टम है ये फ्री पड़ जाएगा। ओरिएंटेशन और टिल्ट एंगल, इसकी हमने चर्चा कर ही ली है, क्या कारण है कि जो सोलर का ओरिएंटेशन है ये साउथ फेसिंग करना चाहिए और जो टिल्ट एंगल है वो किस मौसम के हिसाब से कितना रखना चाहिए। टाइप ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी दो प्रकार से हमें प्राप्त होती है, एक होता है हीट के फॉर्म में और दूसरा है लाइट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में जो सोलर एनर्जी हमें प्राप्त होती है उसे हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं, या जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसे थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और जो हमें सूरज से लाइट या प्रकाश प्राप्त हो रहा है उसे हम पीवी टेक्नोलॉजी में उपयोग करते हैं, फोटोवोल्टिक, प्रकाश वैद्युत। तो जो पीवी टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है, लाइट को हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और जो थर्मल एनर्जी है जो सूरज से हमें हीट मिल रही है उसे हम थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी से या तो हीट बना के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें टर्बाइन चला के, या डायरेक्ट हीट का उपयोग कर सकते हैं। सॉरी, ये दोनों प्रकार की आप देखो, ये सोलर फोटोवोल्टिक एनर्जी सिस्टम है, पीवी पैनल होते हैं, उसके साथ एक कंट्रोलर लगा होता है। कंट्रोलर का काम क्या होता है, जो सोलर मॉड्यूल से जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी उसको कंट्रोल करना। यदि हमारी धूप कम ज़्यादा हो रही है, मीन्स उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो यदि ये फ्लक्चुएशन डायरेक्ट बैटरी पे या हमारे लोड पे जाएगा तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम उसमें एक बीच में कंट्रोल सर्किट लगाते हैं जो उससे आने वाले जो भी जनरेटेड पावर है उसको कंट्रोल करके ही आगे पहुंचाएगा। यहाँ सबसे बड़ी जानने वाली बात ये है कि सोलर मॉड्यूल से डीसी करंट जनरेट होता है या डीसी पावर जनरेट होता है। हमारे घर के अप्लाइंसेस एसी पावर पे चलते हैं, एसी पावर मीन्स 230 वोल्ट की एसी सप्लाई प्रत्यावर्ती धारा पे, लेकिन सोलर जो है वो सिर्फ डीसी जो पावर है वो जनरेट करता है। यदि मैं अपने घर के एसी अप्लाइंसेस चलाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे इन्वर्टर का उपयोग करना पड़ेगा। इन्वर्टर क्या करेगा, जो भी डीसी बन रहा है उसको एसी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यदि मुझे डीसी लोड चलाना है तो मैं डायरेक्ट सोलर एनर्जी से उन्हें उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे अलग अलग प्रकार के सिस्टम। अभी आप देखो, ये सोलर पीवी एनर्जी सिस्टम है, और ये दूसरा जो हमें सूरज से हीट मिल रही है, जो हमें उसकी गर्मी मिल रही है, उसे थर्मल एनर्जी सिस्टम में उपयोग किया जा सकता है। पैराबोलिक हो सकता है, ये लीनियर हो सकता है, डिश टाइप हो सकता है, या सेंट्रल रिसीवर हो सकता है। ये वर्किंग जीआईएफ है कुछ, ये आप देखो, ये सेंट्रल है, सेंट्रल टावर मेथड। ये ऐसे रिफ्लेक्टेड मिरर लगा दिए जाते हैं जिसपे आपका सन की जो रेज है वो फॉल होके सीधे रिफ्लेक्ट होके हमारे सेंट्रल टावर पे आती है। यहाँ हम क्या करते हैं, जो हमारा पानी होता है लिक्विड, उसे इसमें यहाँ से ठंडा पानी ऊपर फ्लो करते हैं, यहाँ पास जो कंसंट्रेट हुई है हीट उससे वो पानी गर्म हो जाता है, फिर उस पानी को हम यहाँ ले जाके जो उसकी भाप बनी है उससे टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम उपयोग किए जा सकते हैं। ये आपका डिश है, इसमें भी हम चाहें तो यही कर सकते हैं, ये सेंट्रल रिसीवर है,
ये लीनियर फ्रेश नल है और ये पैराबोलिक थ्रो है। आप देखो यहाँ से ठंडा पानी बाहर हम इसमें भेजेंगे, कॉन्सेंट्रेट रेज के बीच में से जब वो पानी निकलेगा तो वो गर्म हो जाएगा और हमें यहाँ हॉट वाटर मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है, जो साईं बाबा मंदिर है शिरडी, वहाँ पर जो प्रतिदिन भक्तों का, जो श्रद्धालुओं का खाना बनता है, वो आपका इसी सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम पे ही बनाया जाता है। आप चाहो तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो GIF। ये देखो यहाँ से ठंडा पानी ये फ्लो हुआ और ये इधर से हमें गर्म पानी या हीट मिल जाती है। ठीक है, ये PV का उदाहरण है। ऊपर ये N टाइप सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर, नीचे P टाइप है। N टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ही सोलर की रोशनी फॉल हुई तो सोलर की जो किरण है रेज, उसमें फोटोन होते हैं। फोटोन क्या करते हैं, अपनी जो उनकी एनर्जी है वो इसके इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। और फिर क्योंकि एन और पी के बीच में जो डिप्रेशन लेयर होती है वो तो पूरी पूरी सेपरेट हो जाती है, तो ये इधर से इधर नहीं आ सकते। तो क्या, जब हम इसमें लोड जोड़ते हैं, सर्किट जोड़ते हैं, तो वो सर्किट इसको क्या, जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइड इलेक्ट्रॉन, उनको एक पाथ मिल जाता है होल की तरफ जाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, उसमें से होके गुजर जाते हैं और वो जो उनकी एनर्जी है हमें लाइट के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में मिल जाती है। सौर ऊर्जा से होने वाले लाभ आप भी जानते हो, इसके क्या क्या लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि ये कभी ना खत्म होने वाला सोर्स है ना, नवीकरणीय संसाधनों में सर्वोत्तम विकल्प है। सर्वोत्तम मतलब आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। इसका जो ये वातावरण में CO2 या अन्य हानिकारक गैस नहीं छोड़ता, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मॉड्यूल का जब आप उपयोग करते हो, जब ये बिजली बनाता है या हीट प्रोड्यूस होती है, तो किसी भी प्रकार का इससे CO2 जो है वो उत्सर्जित नहीं होती, या अन्य गैसें मैथेन है या और गैसें वो भी नहीं निकलती। तो ये एक 100% पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स है, इसलिए इसे ग्रीन एनर्जी सोर्स कहते हैं, हरित। दूसरा इसका फायदा क्या है, अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सिर्फ एक ही सोर्स का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमें हीट चाहिए तो भी वो अवेलेबल है सोलर से, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हैं वो भी हमको अवेलेबल है, या जितने भी आपके सोर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके सोर्स हैं उनका काम भी यदि मैं चाहूँ तो सोलर से एनर्जी से ले सकता हूँ। जैसे पेट्रोल डीजल से जो गाड़ियाँ हमारी चल रही हैं उनको मैं ई व्हीकल के तौर पर बनाकर, फिर जो उनकी चार्जिंग है मैं सोलर एनर्जी से करके अपने व्हीकल को भी सोलर पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी लगभग लगभग बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने ई व्हीकल के टेंडर निकाले हैं या निकालने की सोच रहे हैं। ई व्हीकल के लिए अलग अलग 4 लेन पे या ऐसी जगहों पे जहाँ पास आसानी से व्यक्ति को चार्जिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा सके, तो जैसे अभी पेट्रोल पंप होते हैं उसी प्रकार ई व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं सोलर के। खाना पकाने में सोलर का उपयोग होता है। आज से 15 से 20 साल पहले सोलर कुकर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय सिस्टम था, प्रोडक्ट था सोलर का। बॉक्स टाइप होता था जिसके अंदर हम सिल्वर के 3 से 4 बॉक्स होते थे, उसमें दाल चावल रख सकते थे। उसे धूप पर रख दिया जाता था साउथ फेसिंग करके, लगभग 3 से 4 घंटे में उसमें खाना जो था वो पक जाता था, बहुत स्वादिष्ट होता था। अभी उसकी डेवलप आ गई है, उसको जो टेक्नोलॉजी है या टेक्निक, उसको मॉडिफाइड कर दिया गया है, एडवांस कर दिया गया है। अब पैराबोलिक जो होता है उसके कुकर आ रहे हैं, पैराबोलिक डिस्क है, आगे देखेंगे हम। उसमें खाना जो 4 घंटे में बनता था कुकर में, वो अब 35 से 40 मिनट में बन जाता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा अब उसका जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको रिड्यूस कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। तो ऐसे नए नए रोज प्रयोग हो रहे हैं ताकि लोगों के लिए इसे कितना आसान बनाया जा सके, कितना इजी टू यूज बनाया जा सके। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जहाँ ऊर्जा का उत्पादन महंगा पड़ता है उन जगहों या उन देशों के लिए ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट या सौर ऊर्जा का फायदा क्या है, सपोज आपको जंगल में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि
उधर आग जलाना मना होता है क्योंकि आग भड़क सकती है। तो ऐसी जगहों पे हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं खाना बनाने के लिए या घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो सौर ऊर्जा उपकरण किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है, ठीक है, और इन्हें घर पे लगाना सस्ता पड़ता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका ज़्यादा है, बट यदि आप इसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट से देखोगे तो ये यदि आप कंपेयर करोगे इसे अदर सोर्स से तो ये बहुत ही सस्ती पड़ती है।